सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज न्यू लर्निंग वीडियो। आज आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से महज कुछ हज़ार रुपयों से 2.5 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। लेकिन क्या इसको हम लोग रैंडम प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए, इसके लिए डेटा देखना पड़ेगा एंड इसके लिए चार्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा, तो ही जाके ये काम पॉसिबल हो पाएगा। एंड इसको मैंने प्रॉपर फॉलो किया है और इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके मैंने ये जो आप टाइटल देख रहे हैं, इस टाइटल के ऊपर मैंने वर्क करके इतना कैपिटल जनरेट किया है। ठीक है, तो लेट्स सी, हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन, चार्ट्स, डेटा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको आपको जान लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन, चार्ट्स, डेटा सब कुछ दिखाऊंगा। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है, इसके वीडियो बनाने के पहले मैंने इस स्ट्रेटजी पे वर्क किया है। ठीक है, एंड उसका प्रॉपर वीडियो है, लेकिन वो वीडियो मैं आपको पब्लिकली तब दिखाऊंगा। ठीक है, एंड अगर आप लोग इस यूट्यूब कम्युनिटी में 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कराते हैं, तो फिर मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिस पे मैंने वर्क किया है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ, ठीक है, कि एक लाइव ट्रेड मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इसी सर्टेन रूल्स, इसी सर्टेन कंडीशंस एंड इसी सारे स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करके। ठीक है, एंड वो जो आपने देखा है टाइटल में 2,50,000 का अमाउंट, उसको भी बना के मैं दिखाऊंगा जीरो टू हीरो ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मार्केट से पैसा निकालना, मार्केट आपके अंदर की एक स्किल को अगर आपने डेवलप कर लिया, ठीक है, तो मार्केट से आप इजली पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल अमाउंट आपको कितना चाहिए, टोटल अमाउंट करीब करीब आपको यहाँ पे चाहिए कितना, करीब करीब टोटल अमाउंट चाहिए यहाँ पे आपको 10,000 रुपये का। ओके, एंड हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजी वर्क तब करती है जब इंडिया वीक्स या तो बिल्कुल हाई हो या तो फिर इंडिया वीक्स बिल्कुल लो हो। ओके, एंड एवरी ट्रेड में आपको जो इन्वेस्ट करना है अमाउंट, वो 1,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रीमियम जो होना चाहिए वो 2 से 3 रुपये का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 10,000 रुपीज़ को सिर्फ और सिर्फ 10 बार करना है। ठीक है, यानी कि 10,000 हैं पर ट्रेड, 1,000 इन्वेस्ट करेंगे आप तो 10 बार आप इसको करेंगे। ठीक है, यानी कि 10 बार में से एक दो बार अगर आपकी स्ट्रेटजी सही हो गई, तो फिर ट्रस्ट मी गाइस, ये आपका जो कैलकुलेशन है ये आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर और भी चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे विथ लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 महीने के, यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ इंडिया वीक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए 3 मंथ्स का ये वाई है, यहाँ पे देखेंगे जब जब चेंज हुआ है। ठीक है, 10%, -10%, ठीक है, यहाँ पे -5%, 6%, 10%, ठीक है, तो यहाँ पे नो डाउट प्रीमियम में एक बड़ा उलटफेर जरूर हुआ होगा। ओके, एंड ये इंडिया विक्स का लाइव चार्ट है। ठीक है, एंड यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये था करीब 24 फरवरी का डेटा, ये करीब करीब 16-17 जून के आसपास का है। एंड इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये मिलेगा आपको 15 से 16 मार्च का। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेवल को मार्क करके रखिए। ठीक है, कब कब इंडिया बिक सबसे ज़्यादा हाई में था एंड कब कब इंडिया बिक सबसे लो एरिया पे ट्रेड कर रहा था। ओके, अभी फिर आपको आना है चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, लेट्स सी एंड वेट जस्ट सेकंड। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये एक यहाँ पे ट्रेड बना था 24 जनवरी 2023 को। ठीक है, 24 जनवरी को मार्केट ने यहाँ से फॉल करना शुरू किया, और अगर आप देखेंगे तो 24 से लेके और महज 2 से 3 दिनों के अंदर लगभग 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी फॉल कर दिया। ओके, तो अगर आपने इस, अगर आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, फॉल करना शुरू किया, तो फिर मार्केट का प्रॉपर सपोर्ट कहाँ पे आता है, ये आपको एरिया दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट का प्रॉपर सपोर्ट है, इसी एरिया के आसपास का प्रीमियम आपको खरीदना है। ठीक है, यह प्रीमियम आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है,
इसीलिए मैंने बोला कि आपको कुछ कैलकुलेशन, कुछ डेटा एंड कुछ चार्ट्स देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्ट्रांग बेस है जहाँ से मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है, चूंकि इसके नीचे 200 EMA भी है, ठीक है। आप खुद ही सोचिए कि अगर 3000 पॉइंट मार्केट गिरता है 2 से 3 दिनों में, ठीक है, ये हुआ 24 जनवरी, ये हुआ 25 जनवरी, ये हुआ 27 जनवरी, यानी कि 26 को शायद हॉलीडे रहा होगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर 3 दिनों में मार्केट यहाँ से 3000 पॉइंट गिर जाता है, तो क्या 2 से 3 रुपए की प्रीमियम वो 250 300 रुपए नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल जा सकती है, ठीक है। एंड इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी तरीके से अगर आपने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा, ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, 16 फरवरी 2023 को, ठीक है, यहाँ भी एटलीस्ट मार्केट ने 1000 पॉइंट के आसपास का रैली किया हुआ, ठीक है, करीब 2000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी ने यहाँ भी किया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि अगर मार्केट यहाँ से चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट का एक इम्पोर्टेंट एंड हिस्टोरिकल डेटा कहाँ पे है जहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। आपको नीचे 200 EMA और यही प्रीवियस सपोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे आके या यहाँ कहीं आके सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो आपको एकदम नीचे का लो का आपको प्रीमियम यहाँ पे परचेस करना है, ठीक है। तो ये आप इंडिया विक्स को देख के हाई या लो पे इस तरीके से आप प्रीमियम परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक से दो एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, इसी तरीके से आप और भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, प्रीवियस आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन हुआ है, ठीक है, 22 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर और 24-25 को हॉलीडे रहा होगा, उसके बाद बैक टू बैक आप देखेंगे तो यहाँ भी एटलीस्ट 3000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी ने किया है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पे जीरो टू हीरो अगर आप प्लान करते तो क्या आपका 1000 रुपीज़ एटलीस्ट 1 लाख रुपए भी नहीं होता क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि आपको डेटा चार्ट्स एंड कुछ कैलकुलेशन प्रॉपर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो फिर आपको चार्ट पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। आप रैंडम ऑप्शन में जीरो टू हीरो प्लान नहीं कर सकते, जीरो टू हीरो सबसे बेस्ट ट्रेड का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर मेथड के साथ, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करते हो तो उसके रिजल्ट्स नो डाउट इतने अच्छे होंगे कि आप पूरे ट्रेडिंग करियर में आप और कहीं पैसा इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हुआ दो तीन एग्जाम्पल, ठीक है। एंड करेंट में एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है, ठीक है, इंडिया विक्स बिल्कुल हाई पे है, इसको आपको नज़र बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ आज का प्रॉपर जो भी मैंने भी ये जीरो टू हीरो के ऊपर वीडियो बनाया है, एंड चलिए अभी आपको कैलकुलेशन भी मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 रुपए का प्रीमियम ही आपको लेना है, ठीक है, 2 से 3 रुपए का ही प्रीमियम लेना है, और पर आपको ट्रेड 1000 रुपए ही प्लान करना है, ठीक है। आप मान लीजिए 500 क्वांटिटी लिए, ठीक है, तो 2 रुपए का प्रीमियम है तो 1000 रुपए आपका आता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने 500 क्वांटिटी परचेस किया है, ठीक है, और अगर 2 रुपए का प्रीमियम 100 रुपीज़ भी हो जाता है, ठीक है, आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर 1000 रुपये बैंक निफ्टी गिरता है तो फिर वो प्रीमियम इजली 2 रुपए का हो सकता है, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये हो सकता है, ठीक है। तो पर ट्रेड अगर आप मानते हैं 50,000, ठीक है, ये एकदम मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो 50,000 होता है, ठीक है। और मान के चलिए कि अगर आप 10 ट्रेड किए, ठीक है, 10 ट्रेड किए और 10 में से आपके 5 फेल होते हैं, 5 सही होते हैं, ठीक है, तो भी अगर 50,000 × 5 अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 2,50,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। लेकिन इसको आपको प्रॉपर माइंड में रखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे से अमाउंट को अगर आप प्ले करना चाहते हो स्मार्ट तरीके से तो ही आपको ये पैसा मिल सकता है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप बना सकते हो। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, जो मैंने आपको कंडीशंस बताया है, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये आप मान के चलिए कि ये आपका टारगेट जरूर अचीव होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं फिर एक और नए लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय, ओके, थैंक यू।